भाई मज़ेदार कढ़ाई चिकन, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, फ्राइड राइस, क्या बढ़िया तरीके से इसको पैक कर दिया। आउटडोर बार इतना प्यारा बनाया हुआ है, अंदर से और भी अच्छा है। ये आ गया भाई, फाइनल हो चुका है। ये बटर और क्रीम डाल के ये बीबी को यहाँ लेके आना एक बहाना है, मुझे तो मैच देखना है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं चिकन छोड़ के पहले वेज ट्राई कर रहा हूँ। तो ये देखो भाई साहब, एकदम क्रिस्पी, गोल्डन क्रिस्पी हमारे चिकन रेडी है। और ये देखो भाई, चॉप मसाला डाल दिया, टोमेटो ग्रेवी डाल दी। दिस इज बेटर देन मोमोज एक्चुअली में भाई, इसे कहते हैं भाई फूड एक्चुअली में। तो भाई द टेरेस रेस्टोरेंट एंड बार में आया हूँ, जो कि है वैशाली शॉपरिक्स मॉल में। और मैं, मेरे को लग रहा है इससे बढ़िया कुछ जगह नहीं है यहाँ पे शायद। तो आज का एनवायरनमेंट है, दैट इज वेरी कूल और बहुत रिलैक्सिंग वाला। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ के क्या डील्स चल रही है ड्रिंक्स में, क्या खाने का ऑप्शन है। और हाँ, आई एम श्योर कि आईपीएल चल रहा, तो आईपीएल तो आप देखोगे देखोगे। तो लाइव स्क्रीनिंग भी है, लाइव सिंगिंग भी है, अंदर का पूरा अलग है। मन्नी के रोके की बात भी करें ना, क्योंकि इनके बट बैंकेट भी है। तो भाई ये देखो, आउटडोर बार इतना प्यारा बनाया हुआ है, अंदर से और भी अच्छा है। एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले चलते हैं किचन के अंदर और कुछ स्नैक्स बनवाते हैं और स्नैक्स खाएंगे, उसके बाद मेन कोर्स बनाएंगे, गरम गरम खाएंगे। तो एक काम करते हैं, चलते अंदर आराम से बैठते और स्नैक्स बनवाते हैं। चलो तो भाई ये देखो भाई, सबसे पहले हमारा लग रहा है चिकन ड्रम्स ऑफ हेवन। जी हाँ, और ये बढ़िया से मैरिनेट कर दिए, बढ़िया से चिकन। इसे चिकन लॉलीपॉप भी कहते हैं ना, लॉलीपॉप वाला वो होता पीस, वही होता सेम। ये हो गई कोटिंग और ये जाएगा सीधा डीप फ्राई के लिए। परफेक्ट। सर एक प्लेट में कितने पीस आते हैं इसमें? 8 पीस सर। एक प्लेट में 8 पीस, क्या बात है भाई। इसको पहले अच्छे से डीप फ्राई किया जाएगा। डीप फ्राई करने के बाद इसको चाइनीज सॉस के साथ बढ़िया से कुक किया जाएगा और जो टेस्ट आएगा ना एंड में वो लाजवाब होगा। ये बनाया जा रहा है जी हमारे लिए मशरूम डिम सिम्स। जी हाँ, एकदम थिन लेयर के होते हैं ये, मज़ेदार चीज़ एक मैं कह रहा हूँ कि अगर आप खाओगे ना तो आप भी बोलोगे यार ये दिस इज़ बेटर देन मोमोज एक्चुअली में। ये देखो भाई, क्या बढ़िया तरीके से इसको पैक कर दिया। अब ये पूरे अच्छे से स्टीम होंगे, फिर आपको दिखाऊंगा जब ये स्टीम होकर जब बाहर निकलेंगे। ये देखो भाई साहब, ज़बरदस्त तंदूरी चिकन हमारा, अब ये जाने वाला है तंदूर के अंदर। ये हाफ डन है अभी, सिर्फ शेफ डाल दो। और साथ में भाई वेजिटेरियन बीवी है तो फिर हमारे को वेज आइटम भी लेना ज़रूरी है। तो मलाई सोया चाप और साथ में इनका पनीर टिक्का, ये पनीर टिक्का और तंदूरी चिकन इनका बेस्ट सेलिंग आइटम है यहाँ पे। और 10 मिनट के बाद इसको देखेंगे बढ़िया से। ये देखो भाई साहब, तीनों चीज़ें तैयार हो चुकी है एकदम बढ़िया सी। क्या मैरिनेशन, आप देख रहे हो कलर, देख रहे हो क्या बढ़िया कलर आया। ये आ गई भाई मलाई सोया चाप, फर्स्ट क्लास, परफेक्ट पीसीस। और आप देख रहे हो कितने पीस है, 1 2 3 4 5 7 8 पीस है, 8 पीस। ओए होए। और ये आ गया भाई इनका बेस्ट सेलिंग पनीर टिक्का। जी हाँ, ये आ गया। ओए होए। तो ये देखो भाई साहब, एकदम क्रिस्पी, गोल्डन क्रिस्पी हमारे चिकन रेडी है। और ये सॉस के साथ इसको बढ़िया से डिप किया जाएगा। ओए होए होए, क्या बात है भाई। इसे कहते हैं भाई फूड एक्चुअली में, मज़ेदार। अगर आप रहते हैं ना वैशाली तो यहाँ पे आइए द टेरेस और यहाँ पे आके इसको ट्राई करिए। और ये बन रहे हैं भाई सुकीर्ति के लिए मशरूम डिम सिम्स, क्या बात है। अब एक काम करते हैं, मेन कोर्स बाद में बनवाएंगे, सबसे पहले इन सारी चीज़ों को गरम गरम इंजॉय करते हैं। तो भाई सारी चीज़ें लग चुकी है बढ़िया से। मैडम आपके फेवरेट मशरूम डिम सिम्स, मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ें जो नहीं मिलती, सब चीज़ें मिलती हैं। मैडम आप प्लीज़ ट्राई करो। और मैं ये इनका पनीर टिक्का पहले सबसे लेता हूँ, क्योंकि पनीर टिक्का काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं चिकन छोड़ के पहले वेज ट्राई कर रहा हूँ। और वाकई में देखने पे जब शेफ बना रहा था ना, जब तंदूर में डाल रहा था, मतलब मज़ा आ गया था सीरियसली देख के। ये रही ग्रीन सॉस, थोड़ी सी चटनी लोगे? यस भाई, सीरियसली मतलब मैं कह रहा हूँ, ओ भाई साहब एकदम सॉफ्ट। Cheers guys. Cheers. मतलब भाई पनीर मलाई है, ये देख रहा सही सुना था हमने ना, पनीर टिक्का और चिकन टिक्का। हाँ, पनीर टिक्का और चिकन टिक्का वाज सीरियसली अमेजिंग भाई। खाना अच्छा है, मेन कोर्स की बारी आएगी तब बताएंगे कि मेन कोर्स में क्या क्या डालेंगे। अभी तो पूरे बैठे हैं अभी, क्योंकि आईपीएल मैच देखेंगे आराम से बैठ के। लोकेशन मैं आपको दोबारा समझाता हूँ एक बार, शॉपरिक्स मॉल है ये वैशाली में, जहाँ पे 5th फ्लोर में द टेरेस रेस्टोरेंट एंड बार है। इवन अगर किसी को ड्रिंक्स करनी है ना, तो उसमें भी 1+1 का ऑफर है कुछ, बहुत सारे ड्रिंक्स में।
प्लस वाले सुन लो आईपीएल के साथ तो यही चलता ही है, exactly. लोग पार्टी करने के लिए आते हैं। प्लस दूसरी चीज, बन्नी का अगर रोका होगा तो इनके पास बैंकेट भी है, मतलब बन्नी तरह रोका फिर करा रहे हो, बट यहाँ पे बैंकेट हॉल भी है। आउटसाइड सीटिंग में आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो मेन कोर्स में दिखाऊंगा। हाँ, पर ये देख रहे, और दूसरी चीज पता क्या, ले हर एक पोर्शन में 8 पीस है। मलाई पनीर है, और ये पहले ये ट्राई करिए, पहले ये ट्राई भाई। मेरे पास तो मन्नी की आवाज़ ज़्यादा नहीं आएगी, ज़रा बाइट लेके बता भाई। मतलब एक प्लेट में 8 पीस है, हमने जान मुझ के थोड़ा कम करवाया कि भैया 5 पीस है तो, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। मेरे को सबसे बड़ी अच्छी चीज़ पता क्या लगी सुकृति, कि आसपास सारा रेजिडेंशियल है, फैमिलीज़ वगैरह आ सकती है, इन्जॉय कर सकती है, टेरेस है पूरे वैशाली में, किसी के पास भी टेरेस बार नहीं है पूरे वैशाली में। वैशाली में मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई ऑप्शन ही बहुत कम ऑप्शंस है, बस कोई टेरेस वाला रेस्टोरेंट नहीं। तो भाई स्टार्टर खाने के बाद अब बारी आ चुकी है इंडियन फूड खाने की, मेन कोर्स एक्चुअली में। तो अब हम बनवा रहे हैं अपने लिए स्पेशली क्या, कढ़ाई चिकन। जी हाँ, तो भाई मज़ेदार कढ़ाई चिकन, दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, फ्राइड राइस और मंचूरियन, ये है मेरा आज का मेन कोर्स का आइटम। तो भाई अगर आपको भी खाना ना इतना बढ़िया लजीज टेरेस में बैठ के लाइव IPL मैच देखता हुआ, तो आ जाओ पता कहाँ पे, द टेरेस रेस्टोरेंट एंड बार, शॉपरिक्स मॉल, वैशाली। ये देखो भाई, चॉप मसाला डाल दिया, टोमेटो ग्रेवी डाल दी, काजू मगज का पेस्ट आ गया, और अब जादू हो गया भाई। इसके अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर कढ़ाई चिकन के अंदर जो है ना, ये कैप्सिकम और प्याज खड़े खड़े होंगे एकदम मज़ेदार टेस्ट के साथ। अब सिर्फ रंगत देखो, रंगत कितनी बढ़िया रंगत आई है, कोई कलर यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं यूज़ किया, ये एक ख़ास बात है। और ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है मैं बताऊं कि जहाँ पे स्पेशली लोग फ्रेंड्स और फैमिली ज़्यादा आती है इन्जॉय करने के लिए, तो इसीलिए हम भी यहाँ पे आए और इसको दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि वैशाली के अंदर हमने शूट बहुत कम किए, बस बेस्ट चीज़ दिखानी है कि यहाँ पे क्या एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे फैमिलीज आके फूड इन्जॉय कर रहे। ये आ गया भाई, फाइनल हो चुका है, ये बटर और क्रीम डाल के इसको कर दिया डन। और ये आ गया भाई थोड़ा सा रोगन, एक्चुअली में इट्स नॉट रोगन, इसको बोलते हैं रोगन, बट ये लाल मिर्च का वो ऑयल में तड़का मारने वाला वो है, और जो असली रोगन होता ना वो कचौरी होता। ये देखो भाई, आए लाजवाब। तो भाई साहब ये आ गया भाई हमारे फ्राइड राइस, जी हाँ वेजिटेरियन फ्राइड राइस लिए, साथ में इसके मंचूरियन खाएंगे। इंडियन फूड तैयार है हमारा, पराठे हमारे बन रहे हैं, रोटी हमारी बन रही है, फिर देर किस बात की है। सारा का सारा मेन कोर्स आ चुका है, मैडम जी इंजॉय कर रही है फ्राइड राइस साथ में मंचूरियन, मैं इनकी दाल मखनी जो कि काफ़ी पॉपुलर। बता दूं कि जो भी रेस्टोरेंट, जो भी फैमिलीज यहाँ पे आती है ना, ये दाल ज़रूर ऑर्डर करती है। बीवी को खिलाना, ये बीवी को यहाँ लेके आना एक बहाना है, मुझे तो मैच देखना है भाई सीरियसली भाई। ओहो चौका, क्या बात है भाई, मतलब लाइव म्यूज़िक, लाइव IPL स्क्रीनिंग, और आपको क्या चाहिए, और इनका आउटडोर बार मतलब सुपर गुड है। मुझे नहीं लगता कि वैशाली में इससे सुंदर कोई जगह होगी एक फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए, है कि नहीं। हम करते हैं भाई इसको इन्जॉय बढ़िया से, और आपको मिलते हैं कोई ऐसी कोई बढ़िया सी चीज़ लेके आके आपको दिखाते हैं। और मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, जो भी हमारे दोस्त हैं ना, यहाँ पे प्लस वन का ऑफर भी है, तो इसलिए आप आओ इन्जॉय करो, मैच देखो और बढ़िया बढ़िया फूड इन्जॉय करो। चले जी,